नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कमाता है। हर किसी के अपने अपने खर्चे होते हैं। कोई अपनी सैलरी में से बचत कर लेता है तो कोई महीने के अंत तक पैसे खत्म होने के कारण परेशानियां झेलता है। इसी विषय पर आज हम खास चर्चा करेंगे। और इसी विषय पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य धनंजय जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारी चर्चा का विषय राशि अनुसार जानिए किस जगह पर आपका धन अधिक खर्च हो रहा है। हर व्यक्ति को अपनी मेहनत की कमाई अच्छी लगती है, पर जब उसका धन व्यर्थ में खर्च होता है तो परेशानियां खड़ी हो ही जाती हैं। आज हम इसी विषय पर राशियों के अनुसार चर्चा करेंगे और साथ ही आज जिन जातकों का जन्मदिन है उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, उनको किस प्रकार के उपाय करने होंगे, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुरुजी आपको बताएंगे कि राशियों के अनुसार आपका धन कहां पर व्यर्थ में खर्च हो रहा है, कैसे आप बचत कर सकते हैं। जी, धन का व्यय और धन की आमदनी, ये दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि लाभेश बलवान है, सदा लाभ की स्थिति प्रबल रहती है। यदि 12वां भाव अर्थात ज्योतिष शास्त्र की भाषा में कहें तो द्वादशेश यदि नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, क्योंकि 12वां स्थान जन्म कुंडली में खर्चे का स्थान होता है। अब यदि इसको ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो धनेश यदि 12वें स्थान पर विराजमान हो जाए तो ऐसे जातक के पास जमा धन कभी नहीं रहता। कई बार कई जातक मुझसे संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आचार्य जी, गुरु जी, आपके आशीर्वाद से बहुत पैसा कमाता हूं, लेकिन एक भी रुपया रुकता नहीं है, बल्कि कर्ज जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। जब भी कभी ऐसी परिस्थिति जन्म कुंडली में बनती है तो इसका अर्थ यह है कि धनेश लाभेश या तो छठे भाव के स्वामी के साथ संपर्क में है या फिर षष्ठेश का लगने से धनेश से इस प्रकार से संबंध स्थापित हो रहा है कि किसी पाप ग्रह से या तो दृष्टि पड़ रही है या किसी पाप ग्रह के साथ युति बन रही है। आज हम लोग मेष राशि से मीन राशि तक इस पर विस्तार से चर्चा करें। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो शुभ होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको करने के बाद पछतावा होता है कि ये पैसा व्यर्थ में खर्च हो गया। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये कहा ही जाता है ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से कि खर्चे करने के लिए लोग मशहूर हैं। कुछ ऐसी राशियां हैं जो बड़ी धैर्यवान होती हैं। आज हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो व्यर्थ में होने वाले धन खर्च की हम बात कर रहे हैं, 12 राशियों की बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआती 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों को किस प्रकार से बचत करनी होगी। जी, आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का धन पुण्य के कार्य में खर्च होता है, वाहन में, पशुओं की सेवा में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेष राशि के जातक प्रत्येक बुधवार को सब्जियों का दान करें, हरे फल का दान करें, इससे इनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी। मेष राशि के लिए तो ये बात कही ही जाती है कि इनका जो पैसा है वो हमेशा पुण्य के कार्य में खर्च होता है, धर्म के कार्य में खर्च होता है, या फिर वाहन की साज सज्जा, वाहन पर खर्च होता है, या फिर किसी ऐसे कार्य के लिए खर्च होता है जिसमें दूसरों का भला हो, या फिर पशुओं की सेवा में इनका धन व्यय होता है। इसलिए मेष राशि के जातक को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कि धन का दुरुपयोग हो रहा है और अनावश्यक धन का खर्चा बढ़ता ही चला जा रहा है तो बहुत छोटा सा सरल सा उपाय करिए, प्रत्येक बुधवार को हरे फल का दान करिए या फिर हरा कोई भी सब्जियां हैं, जैसे खाने की जो खाद्य पदार्थ है उसको किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। अब हम लोग मेष राशि के बाद चर्चा करेंगे वृष राशि की। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और इनका धन ज्यादातर श्रृंगार पर, मित्रों पर, साज सज्जा पर खर्च होता है। वृष राशि के लिए
एक बात मैं कहूंगा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका धन अनावश्यक रूप में खर्च होता चला जा रहा है तो हीरा नाम का रत्न धारण करिए, या हीरा के बदले में आप हीरा का कोई उपरत्न जैसे कि ओपल है, जेरकॉन है, अमेरिकन डायमंड है, इस प्रकार के उपरत्नों को धारण कर लीजिए। इससे आपके धन का दुरुपयोग रुक जाएगा। और कभी ऐसा भी लगता है कि दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है गुरुजी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, आमदनी बहुत कम है। कई बार ऐसा होता है कि दुरुपयोग हम नहीं कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि फिर भी खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, नियंत्रण से बाहर जा रहा है, कर्ज जैसी स्थिति बन रही। आप तुरंत हीरा धारण करिए। फिर एक बात और मैं कहूंगा कि सीधे सीधे केवल अपनी राशि के आधार पर ही हीरा नहीं धारण कर लीजिएगा। जन्म कुंडली में धनेश, लाभेश, ऋण के भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी की स्थिति देखने के बाद ही यह निर्णय लीजिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और इनके लिए ये कहा जाता है कि इनका पैसा अनर्गल खर्च हो जाता है, अनावश्यक खर्च। इनका जो धन को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के जो इनकी विचारधारा होती है बड़ी ही सरल होती है, इसका फायदा लोग उठा लेते हैं और इनका धन गलत कार्यों में गलत तरीके से खर्च हो जाता है। आपको मंगलवार के दिन लाल रंग के फल का दान करना चाहिए, इससे आपके धन का खर्च व्यवस्थित हो जाएगा और दूसरों के माध्यम से, जो कभी ऐसा भी हो जाता है कि मित्रों के कहने पे या किसी की बात में आकर के जो धन का आर्थिक निवेश होता है और आपका पैसा फंस जाता है, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरुआती तीन राशियों की बात हमने की, गुरुजी ने उपाय बताए कि कैसे आप बचत कर सकते हैं। आगे की तीन राशियों की बात करें, कर्क, सिंह और कन्या राशियों को कैसे फिजूल खर्ची रोकनी होगी और कैसे बचत कर सकते हैं। कर्क राशि का धन धर्म के कार्य में खर्च होता है। कर्क राशि के लिए हवन, दान, गरीबों की सेवा करना इनको बहुत ही प्रिय है। आपको सलाह मशवरा के पश्चात एक पीले रंग का पुखराज पहनना चाहिए। यदि आप पुखराज नहीं धारण कर पाते हैं तो देसी सुनहला या फिर वेस्टर्न कल्चर का एक पत्थर होता है टोपाज, ये आप धारण कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जाएगी। वैसे कर्क राशि के लिए ये बात कही जाती है ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से कि ये लोग अनावश्यक धन का खर्च नहीं करते। इनके धन का खर्च जब भी होता है तो या तो भावनात्मक दृष्टिकोण से ये खर्च करते हैं या फिर धर्म के कार्य में करते हैं, हवन में, पूजा पाठ में, दान में, गरीबों की सेवा करने में धन का खर्च करते। अब हम लोग कर्क राशि के बाद चर्चा करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव है और इनका धन कहते हैं खर्च होता है राजकीय कार्यों में, राजनैतिक या फिर प्रशासनिक कार्यों में। यदि सूर्य की स्थिति खराब हो जाए, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए या किसी पाप ग्रह के साथ इनके राशि के स्वामी की युति बन जाए तो इनका जो धन का खर्चा है वो ऐसे कार्यों में होता है जो कि प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हो, जैसे कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, जैसे कि कोई ऐसी चीज थाना, पुलिस या अनर्गल के कार्यों में पैसे की बर्बादी होने लग जाती है। आपको मैं कहूँगा कि शनि देव के मंत्र का जाप करिए। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः। शनि देव की आराधना करने से कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस या प्रशासनिक जो कार्य क्षेत्र है उसमें धन का दुरुपयोग रुक जाएगा। अब हम लोग सिंह राशि के बाद चर्चा करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का धन घरेलू कार्यों पर खर्च होता है, बच्चों को लेकर के, घर की आर्थिक स्थिति को लेकर के ये सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं। और आपके लिए भी शनि देव की आराधना करना बहुत ही शुभ रहेगा। प्रत्येक शनिवार को संध्या के समय सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करिए। आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जाएगी।
तो कर्क सिंह और कन्या राशियों के जातकों के बारे में भी हमने जान लिया। बात करते तुला वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को कैसे बचत करना होगा। जी आरंभ करते हैं तुला राशि। तुला राशि, तुला राशि का धन मांगलिक कार्यों में खर्च होता है। तुला राशि के लिए गरीबों को भोजन करवाना, तीर्थ यात्रा में जाना, घूमना इनको बड़ा पसंद होता है। आपको गुरुवार को केले का दान करना चाहिए, इससे धन का लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन व्यवस्थित होती चली जाएगी। तुला राशि के लिए चूंकि शुक्र इनकी राशि के स्वामी होते हैं और इनको घूमना फिरना बड़ा ही पसंद होता है, आपको बड़ा ही सरल सा छोटा सा उपाय करना है। आपको प्रत्येक गुरुवार को केले का दान करना है, इससे धन की स्थिति आपकी मजबूत होती चली जाएगी। तुला राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और आपका धन मित्रों पर मौज मस्ती पर खर्च होता है, और जब तक आपके हाथ में पैसा रहता है तब तक खर्चा होता ही रहता है। आपको मैं कहूँगा सीधे सीधे हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिए। आपके जीवन में धन को लेकर के, आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अब हम लोग वृश्चिक राशि के बाद चर्चा करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के धन का जो अपव्यय है वो गलत संगति में ही संभव है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और यदि बृहस्पति पीड़ित हो जाए और व्ययेश धनेश और लाभेश की युति किसी पाप ग्रह के साथ बन जाए तो दिखावे के चक्कर में पैसा आपका सर्वाधिक बर्बाद होता है। आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए और धन के खर्चे को लेकर के बहुत ही व्यवस्थित रखनी चाहिए। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ सभी जातकों को, एकादश स्थान लाभ का स्थान तो है ही है, लेकिन 11वां स्थान मित्र मंडली का भी स्थान होता है। यदि लाभेश पीड़ित हो जाए तो मित्रों की बुरी संगति भी धन की हानि कराती है। और चलिए अब आखिरी में बात करते हैं आखिरी की तीन राशियों की, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में कि वो कहां पर फिजूल खर्चे करते हैं और कैसे वो अपने धन का बचत कर सकते हैं। अब हम लोग आरंभ करते हैं मकर राशि से। मकर राशि का धन कृषि के कार्य में सर्वाधिक खर्च होता है। कठिन परिश्रम करके हृदय से धन का व्यय करते हैं। आपको मैं कहूंगा कि गरीबों में वस्त्र का दान करिए। आपका धन पारिवारिक कार्यों में खर्च होता है, इसलिए आपको धन के व्यय को लेकर के चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा उपाय करिए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन और मजबूत होती चली जाए, और वो छोटा सा उपाय ये है कि जो गरीब लोग हैं उनमें वस्त्र का दान करिए। मकर राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि, कुंभ राशि का धन परिवार की स्थिति में खर्च होता है। ऐसे जातक धन का व्यय बहुत ही सोच समझ करके करते हैं। आपको धन की बचत के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए। शिव जी की आराधना में एक बात मैं आपको कहूंगा कि जलाभिषेक करिए और जो एक सरल सा मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करिए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। अब हम लोग कुंभ राशि के बाद चर्चा करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का धन घरेलू कार्यों, घरेलू चीजों पर खर्च होता है। परिवार की खुशियों पर ये लोग धन का व्यय करते हैं। परिवार के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता होती है मीन राशि के जातक अपनी कमाई का धन उसी वस्तु पर खर्च करते हैं। इसलिए मीन राशि के लिए एक चीज मैं कहूंगा कि सूर्य देव को अर्घ दें, इससे आपका धन कम से कम खर्च होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। तो चलिए 12 राशियों की बात हमने की, मेष से लेकर मीन राशियों के जातकों का पैसा कहां पर खर्च होता है और कैसे बचत करें वो तो हमने जान लिया। उपाय भी गुरुजी ने बता दिए, लेकिन गुरुजी उपायों का लाभ कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा? जी
जो कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ भी हम दान करते हैं, जो कुछ भी हम उपाय करते हैं, इसका हमको बहुत ही शुभ परिणाम मिले। इसके लिए सदैव मैं एक बात कहता हूँ कि सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का गहराई से अध्ययन करें, अपनी अपनी कुंडली के अनुसार, अपनी अपनी राशि के अनुसार, अपने अपने ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही कोई ज्योतिषी उपाय करें। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, धन की कभी कोई हानि नहीं होगी और जो धन का खर्चा है वो नियंत्रित और व्यवस्थित रूप में होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। आज जन्मे जातकों का पूरा साल कैसा रहेगा, गुरु जी आपको बताएंगे। जी, आज जिन जिन जातकों का जन्मदिन है, सर्वप्रथम उनको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे जातक बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह वर्ष आपकी सफलता के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी और धन के साथ ही साथ मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ सिद्ध होगा। तो आज जन्मे जातकों का पूरा साल बेहद शुभ होने वाला है, ये आपने जाना। अब बात करते हैं आज जन्मे जातकों के लिए कुछ खास सावधानियां। जी, आज जिन जिन जातकों का जन्म दिन है, आपको सावधानियों में क्या क्या सावधानियां रखनी है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले किसी से भी किसी भी वाद विवाद में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। यात्रा के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है और सबसे बड़ी जो गंभीर बात है, व्यापार में निवेश से संबंधित बहुत सतर्कता से कोई निवेश करिएगा, क्योंकि मंगल ग्रह का जो प्रभाव है इसके कारण मैंने आपसे कहा है कि यात्रा में भी सावधानी रखनी है, धन के लेन देन में निवेश में भी आपको विशेष सावधानी रखनी है। सावधानियों की बात भी हो गई, लेकिन आज जन्मे जातकों के लिए कुछ खास उपाय करो जी। जी, आज जिन जिन जातकों का जन्म दिन है उनको उपाय के लिए मैं कहूँगा कि विष्णु जी की आराधना करनी है। पीले रंग के फूल आपको विष्णु जी को अर्पित करना है, स्वयं भी आपको पीला ही वस्त्र धारण करना है और विष्णु जी के मंत्र का जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर कुछ भी संभव ना हो वस्त्रों में तो कम से कम पीले रंग का रुमाल अवश्य रखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अब चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं आज की लकी कुंडली की। सबसे पहले लकी कुंडली है शालिनी श्रीवास्तव की, राजधानी लखनऊ से। जी, शालिनी जी आपकी कन्या लग्न है और लग्न स्थान पर राहु विद्यमान है। आप मिथुन राशि की जातक है और चंद्र कुंडली के अनुसार आप मांगलिक हैं। चंद्रमा मंगल बृहस्पति की युति आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में बन रही है। आपको एक बात मैं कहूंगा कि गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी की आराधना करने से आपके कार्यों में जो भी विघ्न बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। दूसरी एक बात मैं आपसे कहूंगा कि काल सर्प योग पूर्ण रूप से आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, इसका भी आपको उपाय करना। और इसी के साथ ही अब तमाम दर्शक जो घर पर बैठकर भाग्य चक्र को देख रहे हैं उनके लिए एक जानकारी हम आपको दे दें कि अगर आपके अंदर भी कोई सवाल है, आप आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं तो bhagyachakra1530@gmail.com मेल आईडी हम आपको दे रहे हैं, उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं, आचार्य जी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं 9565001891, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। आपके अंदर जो तमाम सवाल हैं जो आप आचार्य जी से पूछना चाहते हैं वो मेल आईडी के जरिए या फिर व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी पूछ सकते हैं। और साथ ही हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताजा खबरों के लिए आप बने रखिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।